देखिए, जो परिस्थितियां पिछले कुछ दिनों से हमको देखने को मिली है, कोविड के मामले में और ज़्यादा गंभीर होकर के काम करने की ज़रूरत है। और इसलिए हमारी प्रेपरेशंस क्या क्या हैं, उन बातों को लेकर के चर्चा की। और इसके अतिरिक्त डेप्टी कमिश्नर्स और एसपी के साथ जो वहाँ पर जो अरेंजमेंट एट प्रेजेंट उनके वहाँ पर चल रहे हैं, उसमें बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, ताकि हम कोविड की सारी सिचुएशन को थोड़ा ठीक तरह से प्रभावी ढंग से हैंडल कर सकें। हालांकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मामले जितने रिकवर हो रहे हैं उतने ही एक्टिव केसेस नए आ रहे हैं, लगभग 10-15 नंबर का आगे पीछे इस तरह का है पिछले 3-4 दिनों से। लेकिन बात सच है कि 850 से मामले 2700 से पार हुए हैं, तो ऐसे में हमको सावधानी जो बरतने की ज़रूरत है उन बातों को लेकर के भी चर्चा हुई है। उसमें इंटरस्टेट मूवमेंट का एक जिक्र आया है, लेकिन इसमें उसमें रिस्ट्रिक्शन जो हमने की है वो तो हैं, अभी तक उस पर कोई रिलैक्सेशन देने का उस पर मन नहीं है, न स्थिति है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो हट करके जो बात आई है कि ये जो बाहर से आ रहे लोग उसके कारण स्प्रेड ज़्यादा फैल रहा है, ऐसा भी नहीं है। बहुत इंटीरियर में ऐसे रिमोट एरिया में बहुत बड़े नंबर निकले हैं, चंबा डिस्ट्रिक्ट में भी, मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी, और इसके अलावा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी, जहाँ ये माना जाता था कि पहले शोर डालते थे कि टूरिस्ट आ रहा है तो टूरिस्ट के कारण आ रहा है, तो ऐसा भी नहीं है उस पर। तो इसलिए हमने कहा कि ज़्यादा फोकस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर करो, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में ठीक तरह से हम पहुँच सके कि ये फैलने का कारण क्या है। 2-3 जगह से जो एग्जाम्पल हमारे सामने आए हैं उसमें मालूम पड़ा है कि जो शादियों का सीज़न पीछे चला उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। लेकिन अभी तो काला महीना शुरू हो गया है, बता रहे हैं कि अब शादियां बंद हो गई है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी राहत उससे भी होगी। लेकिन कोविड की सारी सिचुएशन हम ठीक प्रकार से हैंडल कर सके उसके लिए प्रेपरेशन के लिए हमने कह दिया है। और ऑक्सीजन प्लांट गियर अप करने के लिए, कैपेसिटी, बेड कैपेसिटी जो हमारे पास अवेलेबल है उसको इंटैक्ट रखने के लिए, और बाकी जो इससे प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको सावधानी के साथ काम करके जो काम करने के लिए कहा गया है। क्या जिनको डोजेज लगे हैं आरटीपीसीआर रिपोर्ट है, उसके अलावा क्या बॉर्डर पर चेक नहीं? उसमें हमने दो ही चीज़ों के लिए कहा है। एक तो ये है कि जिनको दो डोजेज वैक्सीन की लगी हैं उनके लिए कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरे, अगर वो नहीं किया है तो उस सूरत में आरटीपीसीआर कर लेंगे। इफ एट ऑल अगर ऐसी सिचुएशन में भी आरटीपीसीआर भी करने का किसी को मौका नहीं मिला है तो वो जो है वो तुरंत जो है जो हमारा रैपिड टेस्ट होता है उसको टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट लेकर के लाए। रजिस्ट्रेशन अभी तक हमने नहीं किया, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फिर लंबी चल जाएगी। फिर वो लेकर क्या कर रहे हैं, वो खुद क्या कर रहे हैं? हाँ, उनके वो भी करें। हमें तो देखिए, अभी तक जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं हमने यही कहा है कि 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी उस ग्राउंड की उसके हिसाब से करने की हमने कोशिश की है, और किसी को रोकने की बात नहीं है। अभी सोशल गैदरिंग पर रिस्ट्रिक्शन का दौर आएगा, मुझे लगता है कि आने वाले समय में। स्कूलों तक अभी तक 22 तक हमारा स्टैंड वही है, अभी तक तो निर्णय वही किया है, उसके बाद फिर आगे अभी सोशल गैदरिंग पर हम 2-4 दिन और इसको ये कर रहे हैं, और 24 को कैबिनेट की बैठक में फिर रिव्यू करेंगे। नहीं देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने स्टेट गवर्नमेंट से पूछा है कि चुनाव करने चाहिए नहीं करने चाहिए ऐसे हालात में जब कोविड की सिचुएशन ये है, उसका जवाब देगा, सभी पॉलिटिकल पार्टीज देंगी। सर, ये कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया पिछले कल उनकी माता का फोन आया, जो सरका घाट से हैं, उनकी मदर का फोन आया था कि परिवार से फोन आया था, तो उनका कहना यह था कि वो धन्यवाद भी कर रहे थे, एम्बेसी में हैं, सुरक्षित हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो इंडियन गवर्नमेंट जो हमारी भारत सरकार जो है उनको लाने की जो कोशिश कर रही है उसमें वो सुरक्षित वापस आएंगे। अभी बात हुई है सर क्या परिवार के साथ बात हुई, केंद्र को इंटीमेट कर दिया। थैंक यू, प्लीज़।